एलएसी पर चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत का नमूना। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस के मौके पर किस तरह से रफाल लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना की ताकत का मुख्य केंद्र। चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय वायुसेना गुरुवार को अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की ताकत का नमूना दिखाया जाएगा और उसी ताकत के नमूने के लिए मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, 56 एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज़ भी उसी हिंडन एयरबेस पर मौजूद है और हम इस बार का जो भारतीय वायुसेना की जो फ्लाईपास्ट है हिंडन एयरबेस पर, उसका जो मुख्य आकर्षण है वो दरअसल रफाल फाइटर जेट्स है, जो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है, स्टैटिक डिस्प्ले में भी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। और जो फ्लाईपास्ट है उसमें भी पहली बार भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के मौके पर रफाल फाइटर जेट जो है हिस्सा ले रहा है। और रफाल फाइटर जेट्स के बिल्कुल ठीक अगर दाईं तरफ देखेंगे तो खड़ा हुआ है मिराज 2000 फाइटर जेट। वो मिराज 2000 फाइटर जेट जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, जिसने बालाकोट में अटैक किया था। और ये देखिए, ये भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये देखिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो एलएसी पर चीन के साथ जो टकराव चल रहा है उसमें भारतीय वायुसेना के जितने भी मालवाहक विमान हैं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासतौर से जब मई के महीने में चीन ने एलएसी पर घुसपैठ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि थल सेना के जो सैनिक हैं उनको जल्द से जल्द एलएसी पर पहुँचाया जाए, और उसके लिए भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चाहे फिर वो C-130J सुपर हरक्यूलस हो जो इस वक्त यहाँ इंडियन एयरबेस पर स्टैटिक डिस्प्ले में है, चाहे C-17 ग्लोब मास्टर हो, IL-76 हो, चिनूक हेलीकॉप्टर्स जिनका यहाँ पर गुरुवार को प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल में भी दिखाए गए किस तरह से जो तोप तक को उठा के लेके जा सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और ये देखिए, ये है C-17 ग्लोब मास्टर, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है और ये माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C-17 ग्लोब मास्टर है। और उसके साथ चल रहे हैं सुखोई फाइटर जेट्स, उसको फ्लैंक कर रहे हैं। और ये देखिए, ये दिखाता है भारतीय वायुसेना की ताकत, दिखाता है कि किस तरह से एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जो है भारतीय वायुसेना की है, जो पिछले 5 महीने से एलएसी पर देखने को मिल रही है। जब ज़रूरत पड़ी कि जल्द से जल्द एलएसी पर जो सैनिक हैं उनको पहुँचाया जाए, उनके जो टैंक हैं, तोप है और दूसरे सैन्य साजो सामान है उनको पहुँचाया जाए, उसके लिए इन सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए जो चीन ने तो सरप्राइज करने की कोशिश की ही थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर चीन को तो सरप्राइज कर दिया, इतनी जल्दी मूवमेंट की गई थी। और इसलिए जब हम लोग यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलस जो कि अमेरिका से लिया गया एयरक्राफ्ट है, साथ ही C-17 जो अभी गुजरा है वो भी अमेरिका से लिया गया, उसके बराबर में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ये भी अमेरिका से लिए गए हैं, पिछले साल ही लिए गए थे अपाचे हेलीकॉप्टर्स। और ये देखिए, अब ये भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं, ये ताकत है भारतीय वायुसेना की, जिसमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, मिराज 2000 है, रफाल एयरक्राफ्ट हैं, MiG-29 अपग्रेडेड जो विमान है जिसको हम लगातार देख रहे थे लेह लद्दाख में, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे वो MiG-29 थे। और ये जो फॉर्मेशंस हैं ये लगातार बनाई जा रही हैं, जो इस बार जो 4 फॉर्मेशन बनाई हैं, बहादुर फॉर्मेशन है, उसके अलावा विजय फॉर्मेशन है और एक ट्रांसफार्मर फॉर्मेशन है, 4 फॉर्मेशन जो है इस बार भारतीय वायुसेना की इस फ्लाईपास्ट में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा जो मिसाइल सिस्टम है, चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम हो या फिर रोहिणी जो रडार सिस्टम है इंडिजिनस, वो भी सामने दिखाई दे रही है। अवैक्स जो है, जो कि टोही विमान है, ये देखिए ये सामने आ रहे हैं ये फाइटर जेट्स, ये ताकत है भारतीय वायुसेना की जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है इस हिंडन एयरबेस पर। और ये हर साल यहाँ पर इसी तरह से परिचित किया जाता है कि भारत की जो वायु शक्ति क्या है, भारत के जो वायु सैनिक हैं उनकी शक्ति क्या है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और भारतीय वायुसेना की शक्ति क्या है वो इस बार पूरी दुनिया ने देख ली, जब एलएसी पर चीन के साथ टकराव शुरू हुआ। पिछले 5 महीने से जो भारतीय वायुसेना है वो भी थल सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पर चीन का मुकाबला कर रही है। खुद वायुसेना प्रमुख ने सोमवार को जब सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि
इस बार जो भारतीय वायुसेना है वो पूरी तरह से तैयार है, ना केवल चीन पर भारी पड़ सकती है अगर चीन के साथ कोई टकराव हुआ, बल्कि टू फ्रंट वॉर के लिए भी, यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ जो भारतीय वायुसेना है वो पूरी तरह से सजग है और वो किसी भी तरह से चीन पर भारी पड़ सकती है। वो और भारी कैसे पड़ सकती है वो इसी इन्हीं जो भारतीय वायुसेना के जो भी फाइटर जेट्स हैं उनके साथ। ये देखें, ये है रफाल फाइटर जेट्स, इसमें दिखाई देंगे, ये बिल्कुल बीचों बीच रफाल फाइटर जेट्स दिखाई दे रहा है। उसके अलावा सुखोई है, MiG-29, मिराज, जैगुआर फाइटर जेट्स जो डीप पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ताकत है भारतीय वायुसेना की, जो इस बार सिर्फ दिखाई दी LEC पर और पूरी दुनिया ने देखी। इस बार तो यहाँ पर तो सिर्फ नमूना दिखाई देता है, लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किस तरह से छुड़ा दिए। और ये तेजस विमान है जो कि भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यहाँ पर हमने देखने को मिला, क्योंकि जो भारतीय वायुसेना का इस बार का जो स्थापना दिवस पर जो मोटो है वो है इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटीमिडेट। इनोवेट यानी कि अपने खुद के जो जो मिलिट्री एसेट्स हैं या फिर फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको तैयार करना है जैसे कि तेजस है। इंटीग्रेट करना है यानी कि इंटीग्रेट यानी कि वेपन्स को इन पर इंटीग्रेट करना है, जैसे कि हमने देखा सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया, या अस्त्र को एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया। और इंटीमिडेट यानी कि डराना है, वो डराना इस तरह से है कि दुश्मन हमारी सीमा की तरफ आँख उठाकर ना देख पाए। ABP News आपको रखे आगे।